हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोष जैन के चैनल पर। आज मैं आपको कच्चा मैंगो का जूस, जी हाँ, जो कैरी होती है उसका हम पन्ना बनाएंगे। कोई इसे कैरी का पन्ना बोलते हैं, कच्चा मैंगो का जूस भी बोलते हैं, आम पन्ना भी बोला जाता है, जो कि पीने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। गर्मियों के सीज़न में बहुत ही टेस्टी प्यारा लगता है। तो शुरू करते हैं फटाफट इंस्टेंट कैरी के पन्ना की रेसिपी। ना इसमें हमें इसे कैरी को निचोड़ना है ना कुछ, फटाफट मिनटों में बन जाएगा। तो शुरू करते हैं कैरी के पन्ना की रेसिपी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम कैरी का पन्ना बनाएंगे। इंस्टेंट रेसिपी बताती हूँ मैं कैरी का पन्ना बनाने की। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कैरी ले ली है, ऐसे ही मैंने और दो कैरियाँ ले लिए, लगभग तीन कैरी का मैं आज कैरी का पन्ना बनाएंगे। फटाफट कैसे बनाना है, हम सबसे पहले इसका छिलटा निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसे थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना चाहिए, ताकि इसमें जो केमिकल्स लगे हुए होते हैं वो निकल जाना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे इसे 10 मिनट पानी में भिगो के रखूँगी और इसके बाद इसका छिलटा निकाल कर इसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कैरी का छिलटा निकाल लिया है। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कैरी को कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे कुछ छोटे पीसेस भी किए हैं और कुछ बड़े भी रखे हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, लगभग हाफ कप पानी बहुत हो जाएगा। इसे मैं कुकर में रख लेती हूँ, मैंने नीचे घर में जो दाल बनानी वो भी रख ली है, एक साथ बना लूँगी तो गैस की बचत हो जाएगी। आप भी ऐसे कर सकते हो, दाल चावल कुछ भी नीचे रख लीजिए और ऊपर कैरी को बॉईल कर लीजिए। अब इसके हम लगभग तीन सीटी ले लेंगे, ताकि दाल और कैरी अच्छे से बॉईल हो जाए, कैरी एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए हम इसकी तीन सीटियाँ ले लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड, तीन से चार सीटी लेने के बाद में आप देख सकते हो कि कैरी कितनी बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे कुकर में से निकाल लेते हैं। यह मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया, इसमें हम ये डाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और हम इसमें और पानी मिक्स कर सकेंगे। ये खट्टा तो हो चुका है, अब इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें हाफ कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो, या अभी मैं हाफ कप डाल रही हूँ, बाद में हम टेस्ट करके देखेंगे। कभी कभी कैरी कोई खट्टी ज़्यादा होती है, कोई कम खट्टी होती है, उस हिसाब से आपको इसमें चीनी मिक्स करना पड़ेगी। लगभग यह मैंने हाफ कप डाल ली है, अभी यहाँ मैं हाफ टी स्पून काला नमक डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। इसके साथ मैं हाफ टी स्पून में सादा नमक भी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा स्पाइसीनेस लाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। जी हाँ, इससे थोड़ा सा स्पाइसीनेस आ जाता है और बहुत ही टेस्टी शरबत लगता है। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर लेंगे। जीरा को मैंने यहाँ पर पहले सेक लिया था और उसके पाउडर करके रखी है, ये भी हम हाफ टी स्पून डाल लेंगे। 1/4 टीस्पून जलजीरा पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही प्यारी टेस्ट आती है। फ्रेंड्स, यदि आपको इसमें मिंट फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें पुदीने के पत्ते भी पीस कर डाल सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसे ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेंगे। यदि आपके पास ना हो तो आप मिक्सर के पॉट में भी इसे मिक्स कर सकते हो। ये हमारा बेस तो रेडी हो चुका है कच्चा मैंगो जूस का, बट ये मुझे खट्टा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी चीनी और मिक्स कर रही हूँ। 1/4 कप चीनी और मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें लगभग 1 लीटर पानी मिक्स कर लेती हूँ। 1 लीटर पानी मिक्स करने के बाद में ये लगभग 1.25 लीटर से 1.5 लीटर के आसपास शरबत बन जाता है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं लगभग 2 घंटे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि शरबत है तो कुल कुल ही अच्छा लगेगा। यदि आप फटाफट बनाना है तो आप इसमें आइस के क्यूब्स डालकर और सर्व कर सकते हो। बिल्कुल रेडी हो चुका है। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा कैरी का पन्ना कच्चा मैंगो का जूस बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, जो कि पीने में बहुत ही ठंडा, कूल और एकदम लाजवाब लगता है। गर्मी के सीज़न में ठंडा ठंडा कूल कूल जूस बहुत बढ़िया लगता है। कोई भी आए गेस्ट
आप उन्हें भी दे सकते हो। दोपहर के टाइम में पीने के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी है, होममेड है, प्योर जैन रेसिपी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।